ऑफिस कैबिन जैसी शांति वाली वंदे भारत ट्रेन की अब होगी मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 सालों में 115 ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें 75 वंदे भारत चेयर कार ट्रेनें होंगी और वहीं 40 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की डिजाइन पूरी हो चुकी है या नहीं, और ये जो टारगेट रखा गया है वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग का, तो यहाँ पर कितने इंजीनियर्स टेक्नीशियंस दिन रात काम कर रहे हैं, साथ ही इन कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग किन किन फैक्ट्री में की जा रही है, वंदे भारत ट्रेनों के लिए जो व्हील्स है इन व्हील्स को कहां से सप्लाई किया जाएगा, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल इन ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग पेरम्बूर की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में काफी जोरों शोरों से की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन के 100 से भी ज्यादा कोचेस तैयार होने वाले हैं। चेयर कार के बाद अब स्लीपर कोच वाली ट्रेनें भी पटरियों पर उतरने वाली हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बता दूं कि स्लीपर कोचेस ट्रेनों की जो डिजाइन है वो अब पूरी बन चुकी है, बस इंतजार है बोर्ड की मंजूरी का। वैसे दोस्तों, जैसे ही स्लीपर कोच की डिजाइन को हरी झंडी मिल जाएगी तो इस ट्रेन की डिजाइन, पिक्चर्स, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल टारगेट यहाँ पर ये रखा गया है कि अगले 2 सालों में 115 वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग का ICF के जनरल मैनेजर एंड प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर एस श्रीनिवासन जी ने बताया कि इन सभी ट्रेनों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2 सालों में की जाएगी। अप्रैल के बाद ये कपूरथला और रायबरेली में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगेगी। फैक्ट्रीज में इन ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पार्ट्स हैं उनके पार्सल के ढेर लगे हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि अंदर फैक्ट्री के अंदर काफी तेजी से काम चल रहा है। फैक्ट्री में हर रोज सुबह 7:30 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सैकड़ों इंजीनियर टेक्नीशियंस काम में जुटे हुए हैं। वंदे भारत ट्रेनों के लिए व्हील्स हैं वो यूक्रेन से सप्लाई किए जा रहे हैं। वहां युद्ध के चलते व्हील्स की जो सप्लाई है वो कुछ महीने के लिए अटक गई थी। इन्हें गाड़ियों से रोमानिया पहुंचाया गया और फिर इसे एयरलिफ्ट कर भारत लाए गए थे व्हील्स। अब ये जो नेक्स्ट लेवल पर वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो इसमें कमाल के फीचर्स ऐड किए गए हैं। कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। इमरजेंसी टॉक सिस्टम से पैसेंजर ड्राइवर से सीधे बात कर सकेंगे। पहले कोच के बाहर 2 पायलट थे, लेकिन अब 4 पायलट होंगे। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन ट्रेनों की टेस्टिंग की जा चुकी है, लेकिन इन ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलाया जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि जो ट्रैक्स हैं उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा स्पीड की नहीं है। लोको पायलट के कैबिन से कोच और प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के लिए सभी कोचेस में 6 CCTV कैमरेज लगे होंगे, और इस तरह के काफी सारे एडवांस फीचर्स आपको नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेनों में जरूर देखने मिलेंगे। वैसे दोस्तों, 2023 तो शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय रेलवे के ऐसे ऐसे टारगेट इन्होंने सेट किए हैं कि 2030 तक तो 630 मिलियन यूनिट्स बिजली भी बचाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।